नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आज फिर पूरे बिहार में जो दंगे के बाद फजीहत हो रही है, सरकारों के खिलाफ फजीहतें शुरू हो चुकी है। मेनस्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा अलग ढंग से चला रही है। कुछ ऐसे टुच्चे पत्रकार है जो अपने ढंग से चला रही है, सटीक है। मैं आपको ललन टॉप की सटीक खबर बता रहा हूँ। ललन टॉप की वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हुई, उसके बाद जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं, सामने आ गई है, क्लियर हो चुका है। वहां हिंदू मुस्लिम जो है, आपसी जो भाईचारा है वो बरकरार है, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तुच्छे पत्रकार है, गोदी मीडिया है, ये इस मुद्दे को किस प्रकार से जो रंग दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक तरफ सबसे बड़ी बात है कि मोहन झा AIM के बहुत बड़े नेता है, हिंदू चेहरा है, सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चेतावनी दे दिया। आइए जरा उस वीडियो पर भी नजर डालेंगे। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं, जहां नालंदा और बिहार शरीफ में जो घटना सामने हुई है, और अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है, ये दो लोगों के दौरे से हुए है। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं दो लोग, वो कौन लोग है तो दूसरा बता रहे हैं आप। पहले तो भाजपा की बी टीम बनकर के साहब आप खुद बैठे हुए थे उस गड्ढे में जाकर के, जो लोगों को, जो युवाओं के, युवा जो रोजगार के लिए सड़कों पर खड़े थे, उन्हें पुलिस द्वारा डंडे पीट पीट डंडे से मार मार के भगाया जाता था। आज आप कह रहे हैं कि वो दो लोग आए थे। मैं मान सकता हूं कि एक जो है कि पूरे देश में उन्माद फैलाया हुआ है, वो से दल है जो देश में उन्माद फैला रहा है। प्रधानमंत्री को जी को देखते होंगे, प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, करते कुछ है, ये सबसे बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं 10 करोड़ रोजगार दिया गया, अब बताइए कितने सारे लोगों को रोजगार मिल गया। किसानों को फायदा दी जा रही है, बताइए कितने लोगों को फायदा दी जा रही है। सवाल वही है कि आखिर सरकारें जो है वो आम जनता को, आम नागरिकों को चूतिया बनाने का काम कर रही है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद इस सब से आपको बुरा लगता होगा, मेरी जो जबान है वो कड़वी बोल पर है। कुछ नेता के जो है वो ग्राउंड नेता, जो ग्राउंड लेवल के नेता है, उनके तुच्छ नेता है, जो झोला ढोने वाले, वो हम पर आरोप लगाने लगे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकार 500 रुपए में बिकता है। मैं जवाब देना चाहता हूं उनको, पत्रकार 500 में नहीं बिकता है, वो दिन भर एक माइक लेके घूमता है, वो मजदूरी करता है, वो अपने हक लेता है, किसी से वो दलाली करके नहीं लेता है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, ये सरकार है जो दावा करती थी कि विकास पर हमने काम किया है, कि विकास से क्या हुआ है, जरा समझे इस बात को कि जब दंगा कैसे भड़काया गया, कौन लोग है वो, उन्हें पहचान होनी चाहिए। और आप सीधे नीतीश कुमार का बयान आता है कि वो दूसरे जो दौरे किए थे इसीलिए ये दंगा फैलाया गया है। 2024 की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नीतीश जी खुद प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे हैं, अब सोचिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब बताइए, जो बिहार में छोटे छोटे दल है जो जिस तरह से अपने प्रोपेगेंडा बना रहा है, वो कहीं ना कहीं अब जो है समाज के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसे सरकारें जो विकास पर दावा कर रही है, लगातार ढिंढोरा पिट रही है। ऐसे पहले बात कर लूँ कि समाधान यात्रा में नीतीश कुमार किस रंग में जाते हैं, बताइए कितने लोगों का समाधान हुआ। मुख्यमंत्री जहां से लेकर जहां तक आते हैं, उस जगह का सड़क का निर्माण होता है, पूरा पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं को सड़क पर लाया जाता है, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जहां तक आते हैं, यानी डेरावाड़ी पंचायत तक आते हैं, वहां तक होती है, उसके बाद सड़क का हालत क्या है, उस पर जरा सा भी कोई नजर, किसी भी नेता का नजर नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हुआ, और इसी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश लगातार हम लोग कर रहे हैं। चलिए, खैर बातें बहुत लंबी हो रही है। मोहन झा किस तरह से नीतीश कुमार का टिकड़ा खो रहे हैं, जरा नजर डालिए। नीतीश बाबू कहला खिसिया है, इतना टेंशन में है कि ओबीसी जी बिहार पहुंच गए। अरे भाई, हमको अधिकार न दिया है संविधान चुनाव लड़े का, तुम लड़ेंगे नहीं तो अपनी नाकामिया के छुपावे के बहाना ढूंढ रहे हैं कि दो गो लोग सब नाकामी आपका है, ये कहे नहीं बुझते हैं। आज जो बिहार जल रहा है एक तरफ, और दूसरे तरफ आपका मंत्री जो है ललन सिंह जी मीट पार्टी कर रहे हैं, तो आप जो है खजूरे चबावे में लगल हैं, कार्यकर्ता आपको लाल किला के फर्जी बनाकर ओकरा बैठा के घुमावे मस्त होल है। जो बिहार में गरीब गुरबा जल मल रहा है उसके लिए कोई चिंता नहीं है, बस सीधे ठिकरा फोड़ दिए कि दंगा में किसका हाथ था, दोगो के हाथ है, एगो राज कर रहा है होकर, एगो राज करे वाला के एजेंट,
हम एजेंट हैं, हम गरीब के एजेंट हैं, कमजोर के एजेंट हैं, मजलूम के एजेंट हैं हम नीतीश बाबू। जहां तक एजेंट की बात आप कर रहे हैं तो हम आप ये से पूछते हैं कि कहां थे वो दिन मां जब आप कह रहे थे कि हम भाजपा के साथ है सरकार बनावे वाला कौन? नीतीश कुमार। भाजपा के साथ सरकार बनावे वाला कौन? तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव जी। अब बतियाते हैं एजेंट हो गए ओवैसी साहब। बाक फर्जी सेकुलर वाला खेल अब बंद कर दीजिए। जो संवैधानिक पद पर आप है ना, उस संवैधानिक पद का निर्वाह ईमानदारी से कीजिए। अपना वोट के चक्कर में जो है पूरे बिहार को जलाइए नहीं। पुलिस आपका, शासन आपका, प्रशासन आपका, हदें खिसियाबे लगते हैं आप भी। इसलिए हमारे नेता पर उंगली न उठाइए, अपने नाकामी को देखिए। जो अधिकारी के लापरवाही के वजह से आज भी खुलेआम शराब बिकिए रहा है और दंगा होइए रहा है, तो अधिकारिया पर न कार्रवाई कीजिए आप, तो वो भी नहीं हो रहा है आपसे। निर्दोष सबके उठा उठा के आप बंद कर ले जा रहे हैं। अब ठिकरा फोड़िएगा वैसी साहब पर तो बिल्कुल गलत है। आई छोड़ दीजिए, इस सब बयानबाजी से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2024 में बिहार की जो जनता है ना, वो वैसी साहब की तरफ देख रहा है। अब 25 में तो हम सुपड़े साफ कर देंगे, वो टेंशन में मत लीजिए। अब बिहार के मुसलमान को भाजपा के नाम पर डराइए नहीं। बिहार के मुसलमान को डरा डरा के जो आप लोग जो वोट लेवे का जो तरीका ढूंढ लिए हैं, वो तरीका कामयाब नहीं होगा। कहे कि उसका अब एगो नेता आ गया है बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी, तो बिहार का मुसलमान डर के आपको वोट नहीं देगा, वो सब चलेगा बैरिस्टर साहब के साथ। और हम घोर निंदा करते हैं इस दंगा का, निंदा करते हैं आपकी नाकामयाबी का, और मांग करते हैं बिहार सरकार से, आपसे मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो घटना स्थल है वहां तक जाकर आपके पास फुर्सत नहीं मिल रहा है साहब। अब बतियाते हैं आप, उलुल जुलुल बात बोल देते हैं कि उसका हाथ है, फलनमा का हाथ है। अरे मुख्यमंत्री का बयान ऐसा ना होगा? अरे मुख्यमंत्री बिहार की गरिमा ना है महाराज, जो मन में आया बोल दिए। और अगर आप एजेंट कहते हैं ना हमारे नेता को, तो हम हैं एजेंट, गरीब के एजेंट है, कमजोर के एजेंट है, सताए हुए लोगों के हम एजेंट हैं। हम उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, भीरेंगे, चाहे जितना आप प्रयास कर लीजिए, हम रुके वाला नहीं है, न मजलिस के लोग रुकेगा। जय हिंद, जय बिहार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।